मैं तृप्ति इस प्रांगण में उपस्थित सभी सूधी जनों व मेरे प्रिय साथियों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष उस महान नारी का बखान करने जा रही हूँ जिसने अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठा दिखाई, किंतु जब उस पर शंका की गई तो वह सिया माटी में विलीन हो गई। तो आइए राहुल शर्मा द्वारा रचित यह कविता प्रश्न चिन्ह फिर उठे सिया पर प्रारंभ करते हैं। सन्नाटे से सजा महल, टकटकी द्वार पर लगी हुई, धीर धरे वृष्टि नैनों पर अश्रु की थी सजी हुई। स्वयं पुरुष उत्तम भी अपना हृदय था में बैठे थे, शांत घड़ी भाव थे व्याकुल मन समझाए बैठे थे। घड़ी प्रतीक्षा की मानो मन पर प्रहार सा करती थी, बांध धैर्य के टूट रहे सासे हुंकार सा भरती थी। जैसे जैसे चिन्ह निकटता के रघुवर को मिलते थे, वैसे वैसे सिंहासन से और द्वार को चलते थे। राम हृदय से व्याकुल और संताप का मन में घेरा था, बिना जानकी के जीवन में चारों ओर अंधेरा था। स्थिति स्वयं राजन की देखो कैसी यह दुखदाई है, किंतु प्रतीक्षा वर्षों की पूरी होने को आई है। और अगले क्षण नैनन के सम्मुख देख सिया को स्तब्ध हुए, मुस्काए से राम तभी व्याकुलता से आबद्ध हुए। टकटकी लगाए देख रही सी यादरों पर सकुचाहट है, और सिया के मन में भी व्याकुलता और घबराहट है। व्यर्थ ही था मेरा जीवन जब तुमने स्वामी त्याग दिया, किंतु विधि ने बड़ी संयमता से मेरा साथ दिया। कहते कहते वचन विरह के अश्रु धार लगी बहने, दोनों सुत आगे को कर फिर सीता सुनो लगी कहने। दोनों सुत आगे को कर फिर सीता सुनो लगी कहने कि गुणीवानी ये पुत्र तुम्हारे, लो इनको संभालो अब। पिता मोह से वंचित थे, स्वामी तुम इनको पालो अब। और अगले क्षण उत्तेजित रघुवर दौड़े आनन फानन में, किंतु देख प्रजा के चेहरे प्रश्न उठे विचलित मन में। ठहरो राम धरो धीरज, सिंहासन और शासन हो तुम, सम्मुख खड़ी प्रजा जब तक है निर्मोही राजन हो तुम। स्थिर हुए कदम रघुवर के, कर्तव्यों का स्मरण किया, मन ही मन फिर श्री राम ने खुद से भीषण रण किया। भाव उड़े तन गई भ्रिकुटी और आँखों में अंगार लिए, प्रश्न चिन्ह फिर उठे सिया पर अपमानों के वार लिए। हे सिया अपनाओ तुम्हें, मगर तुम हो पवित्र ये बतलाओ, उन्हें कटगरा आतुर है कोई प्रमाण तो ले आओ। शेष परीक्षा नहीं तुम अब लोकाकवाद से अड़ कर दो, और यही प्रजा है जननी जिनकी उन प्रश्नों के उत्तर दो। और जो ही वचन शपथ शुद्धि के छेड़े फिर से रघुवर ने, भ्रिकुटी तनी जानकी की और बिजली कौंधी अंबर में। मैं ना अब मर्यादित हूँ, हे स्वामी अब ना पुनः कहो, या तो पुनः परीक्षा दूँ या तुम फिर से विरह सहो। या तो पुनः परीक्षा दूँ या तुम फिर से विरह सहो। संकट के बादल मंडराए सभा हुई विचलित अब तक, प्रश्नों का उत्तर दो रघुवर मौन रहोगे तुम कब तक। प्रश्नों का उत्तर दो रघुवर मौन रहोगे तुम कब तक। अग्नि मिश्रित हुई वायु में जनक सुता का क्रोध दिखा, राम सिया के पुनर्मिलन में विधि का ये अवरोध दिखा। तो राम कहो क्या उत्तर दूं मैं निराधार अफवाहों का, कितने प्रमाण और दूं तुम्हें ना किए गए अपराधों का। क्या नारी होने का कलंक तुम मुझसे दिलवाओगे, क्या हर युग में बस नारी परीक्षा दे यह भी सह पाऊंगे। किंतु बस राजन और नहीं सहेगी है नारी। भय से शीश झुके सब जन के जब सीता की गर्जना सुनी, अश्रुपूर्ण सिया के मुख से धरती की अर्चना सुनी। विचलित हुए नगरवासी सब सभा लगे मानो मरघट, देखे चेहरे सभी रघु के सब चेहरों पर घबराहट। फिर अंतिम बारी जनक सुता ने परिजनों को नमन किया, फिर बीच मुष्टिका चीर सुरों से धरती का स्मरण किया। हे माँ तुम ले लो अपनी शरण मुझे, और तुम तो ना लोगी कोई परीक्षा इतना है विश्वास मुझे। तुझसे जन्मी माँ मेरी मैं तुझ में आज समा जाऊँ, नहीं परीक्षा देगी नारी इस जग को आज बता जाऊँ। लय टूटी कथनों की कहते कहते मूर्छित हुई सीता, देख दशा अर्धांगिन की फिर रघुवर ने पश्चाताप किया कि रघुवंश के पूर्वजों को मैं क्या मुँह दिखलाऊंगा, होने को है एक अनर्थ क्या इसे रोक मैं पाऊंगा। अरे सीते कह भी डालो मन में जो आए भाव कभी, फिर न होगी कोई परीक्षा देता हूँ मैं वचन अभी। किंतु विलंब हुआ राम को राजन से पति होने में, और एक क्षण बचा नहीं फिर उन्हें सिया को खोने में।
गर्जन हुई तभी देखो कांप उठी धरती, ये अंबर देव देवता नर नारी सब देख रहे थे इधर उधर। प्रकट हुई माता वसुधा और लिए सिया को संग चली, धरती से जन्मी माँ सीता धरती में जाकर मिली। राम भले थे भगवान किंतु विधि को टोक ना पाए, जाते देख रहे सिया को किंतु रोक ना पाए। धन्यवाद।